एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। रात का टाइम हो गया, यहाँ पे मैंने दूर तो गलती भी रात नहीं हुई है, शाम हो गई है। यहाँ पे मार्केट से सामान आए वो रख गए हैं। अभी मैं जस्ट बर्तन धुली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करूँगी, इसे क्लीन कर दूँ नहीं तो बदबू आने लगती है। बर्तन मैं किचन में ही धुल लेती हूँ, बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पे रखा गया है सारे बर्तन और मैंने सब्जी भी कट कर ली है। मटर पता नहीं यहाँ पे है, मटर आलू मटर की बनेगी सब्जी बढ़िया से। और दूध यहाँ पे अपना होता रहेगा, इसे बार बार इसे चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो है ना बाल फेंकता है, दूध बाहर आने का डर रहता है। ये लोहे की कढ़ाई है तो इसी में रखती हैं। तो देखते हैं क्या क्या सामान आया है, अभी इसे खोलूँगी तब दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आया, मैंने सामान मंगवाया था, गुड डे बिस्किट आया है और ये आई है परिवार चटकार नमकीन 95 रुपीज। ओ माय गॉड। और यहाँ पे है काजू और मुनक्का, कुछ स्पेशल बनने वाला है। और यहाँ पे चना का बेसन, ये सारे सामान हैं। भी एक चीज़ नहीं आई है, वो है मिठाई और ये है इलायची। और उस नमकीन को करूँगी ओपन, देखूँगी इसका स्वाद कैसा आता है, अच्छा आता है या ख़राब। अच्छा ही आएगा, परिवार नमकीन अच्छी ही होती है। सो गाइस, वहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख ली और सब्जी उब्जी तो कटी हुई है। यहाँ पे मैंने प्याज और लाल मिर्च काट के रख ली है और ये है हरी मटर। और यहाँ पैन में मैंने डाल दिया तेल, पैन में इसलिए सब्जी बना रही हूँ ताकि मैं इंडक्शन पे रख दूँ, क्योंकि इंडक्शन वाली छोटी कढ़ाई जो होती है वो वाली चीज़ मेरे यहाँ अभी नहीं अवेलेबल है, मतलब है नहीं घर में। तो तेल मतलब गैस पे भूज लूँगी, तब तक वहाँ पर दूर भी हो जा रहा है, तब सब्जी बना लूँगी उस पर रख दूँगी। सो गाइस, मैंने बर्तन धुल के वहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने बनाए हैं काबुली चना और आलू को उबाल लिए। और सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं, मेरी चाय भी बन गई है, बस अब इंतज़ार है कि मम्मी जल्दी से भैंस लगा के आ जाए और जल्दी से क्या हो दूध रख दूँ। लाइट भी है तो यहाँ पे रात में बना दिए थे पेड़े, कोई आने वाला मेरे घर वो सरप्राइज है। तो अब मैं फटाफट से चल रही हूँ छोले की, आलू छोले की मतलब काबुली वाले चने की छोले टाइप सब्जी बनाऊंगी, तो उसकी प्रिपरेशन करनी। और यहाँ पे प्याज व्याज सब है, फटाफट से कट कर लूँगी। और बाहर का मौसम आप लोग को दिखा दूँ, कोहरा एकदम भयंकर वाला पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम भयंकर वाला। भी क्या हो रहा है कि धूप निकलने की आशा लग रही है, धूप निकलेगी ऐसा लग रहा है। कोहरा तो बहुत घनघोर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कोहरा बहुत भयंकर है। और यहाँ मैं आई हूँ खेतों में धनिया की पत्ती लेने, तो धनिया की पत्ती कुछ इस तरीके से है। और मैं आज गाजर खेतों से निकालने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि बनेगा गाजर का हलवा। ये गाजर है, ये पालक और यहाँ पे है धनिया। मेरे खेतों में धनिया बहुत ही कम है। और एक कंगन मैं अपना स्वेटर के ऊपर ऐसे चढ़ा के रखती हूँ ताकि स्वेटर मेरा नीचे न गिरे। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती लो, फिर डायरेक्ट घर जाओ, किचन में जुटो।